आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 7 की एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक के सम। इससे पहले वाली वीडियो में इसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक के ऑलरेडी सम की वीडियो आपको अपलोड कर दी गई है। आपने पहले वो वाले सम अच्छे से समझनी है, तभी आप आगे के सम अच्छे से कर पाओगे। उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। अगर आपने पहले वो नहीं सम देखे तो आपने पहले वो वाले सम जरूर करनी है। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। Shyam's father is 5 years more than 3 times Shyam's age. Find Shyam's age if his father is 44 years old. इसमें क्या क्या कहा गया? श्याम के पिता, ठीक है, इसका मतलब होता है, ठीक है, श्याम के पिता, पिता की उम्र, या की होता है, ठीक है, श्याम के पिता की उम्र, ठीक है, श्याम के पिता, उसकी जो पिता की उम्र कितनी है? 5 years more than 3 times. 5 ईयर्स अलग से, उसमें 3 टाइम श्याम की एज थी, ठीक है, जो श्याम है उसकी एज का 3 टाइम मतलब 3 गुना है, उसमें 5 ईयर्स और ऐड करनी है तो श्याम की एज है, ठीक है, तो श्याम एज सॉरी फिर तो उसकी फादर की एज है। फाइंड श्याम एज इफ हिज फादर, उसके पिता की उम्र कितनी है? 44, और हमने किसकी एज फाइंड करनी है? श्याम्स एज, मतलब श्याम की उम्र हमने पता करनी है। जो भी चीज पता करनी है सबसे पहले हमने वही चीज लेट कर लेनी है, तो यहां हम लिखेंगे लेट श्याम्स एज, ठीक है, कितनी है? एक्स, तो हमने श्याम की जो उम्र है वो लेट कर ली है एक्स, और उसके पिता की उम्र कितनी दी गई है? तो हम यहां पर लिखेंगे फादर्स एज, ठीक है, फादर्स एज इज इक्वल टू 44, हमें 44 क्या है ये गिवन है, गिवन मतलब इसमें हमें दी गई है ऑलरेडी, ठीक है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अभी हमने इक्वेशन बनानी है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि शाम की जो एज है, शाम की एज 3 टाइम्स है, मतलब शाम की एज हमने कितनी लेट की है एक्स, तो इसका 3 टाइम्स 3x, उसमें 5 ईयर और ऐड है, ठीक है, तो 5 ईयर हमने और ऐड कर दिए, और किसके बराबर है? उसके पिता के बराबर है, ठीक है, पिता की उम्र के बराबर कितनी एज आती है? इतना। तो अभी हमने इक्वेशन हमने क्रिएट कर लिए, इसको हमने आगे सॉल्व करने, तो हमने देखा है कि यहाँ पर इक्वेशन में देखो ये प्लस 5 है, ठीक है, जब भी हमने लेफ्ट साइड या राइट साइड कोई भी वैल्यू शिफ्ट करनी है तो हमने पहले प्लस या माइनस की ही वैल्यूज आगे शिफ्ट करनी है, बाद में हमने डिवाइड और मल्टीप्लाई की शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है, तो 3x एज इट इज रख लेते हैं, 44, ये प्लस का 5 हम राइट साइड शिफ्ट करेंगे, ये प्लस का है, इधर जाके हो जाएगा माइनस का, तो 3x एज इट इज, 44 में से 5 माइनस किए तो ये आ जाएगा हमारे पास 39, अभी x एज इट इज, ये 3x के साथ मल्टीप्लाई में, इधर जाके हो जाएगा डिवाइड में, तो 3 ones are 3, 3 13s are 39, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई है? x की वैल्यू आ गई है 13। 13 किसकी उम्र थी? हमने x किसकी अज्यूम की थी? शाम की उम्र। शाम की उम्र कितनी आ गई? इट मींस x 13। तो यहां पर हम लिख भी देंगे 10। तो यहां पर हमने लिख भी दिया है 10। शाम्स एज इज 13। शाम की कितनी उम्र है? 13। आप यहां तक लिख दोगे, यहां पर आंसर लिख दो, तभी आपका आंसर सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन। इन एन आइसोसेलस ट्रायंगल द बेस एंगल्स आर इक्वल, द वर्टेक्स एंगल इज 40 डिग्री, व्हाट आर द बेस एंगल ऑफ द ट्रायंगल? रिमेंबर द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अभी सबसे पहले क्या कहा है? इन आइसोसेलस ट्रायंगल, आइसोसेलस ट्रायंगल कौन सा होता है? ट्रायंगल आपको पता है ऐसा होता है, ठीक है, आइसोसेलस ये होता है कि जिसकी दो जो साइड्स होती हैं वो बराबर होती है, दो जो इस जिसके दो साइड्स बराबर होती है, एक बराबर नहीं होती, तो इसमें हमें क्या कहा गया कि बेस एंगल होते हैं जो नीचे होते हैं, ठीक है, बेस एंगल क्या है? आइसोसेलस ट्रायंगल के बेस एंगल क्या है? इक्वल है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, मान लेते हैं इसको एक्स, ठीक है, ये दोनों क्या है? एक्स है, और उन्होंने क्या है कि वर्टेक्स एंगल, वर्टेक्स क्या कौन सा होता है? जो ये वाला होता है कोण में, ठीक है, वर्टेक्स एंगल कितना है? 40 डिग्री,
हमने बेस एंगल पता करना है, ये बेस एंगल यही एंगल हमने पता करनी है, ठीक है। ये दोनों सेम है, इट मींस एक को हमने एक का पता चल गया तो हम दूसरे को भी अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है। तो 40 डिग्री ये है। अभी हमने उसने हिंट भी दिया है कि हमने इस वाले मेथड से ही इसको सॉल्व करना है, किससे, सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो हम सबसे पहले जो भी चीज फाइंड करनी है उसको लेट कर लेंगे, बेस एंगल पूछा है तो लेट द बेस एंगल क्या है, एक्स ईच, ये भी उनका हमने एक्स सोच लिया है कि एक्स है, ठीक है। तो अभी हमें दिया क्या गया है, वी नो मतलब द सम ऑफ थ्री एंगल्स इन ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो हमने यहां पर सॉरी लिख दिया था, अब बेस एंगल इतना है, यहां पर आप मेंशन कर देना वर्टेक्स एंगल, वर्टेक्स एंगल कितना है वो है 40 डिग्री। तो हमने यहां पर लिख दिया द सम ऑफ थ्री एंगल्स कितना है 180 डिग्री। तो थ्री एंगल्स कौन कौन से हैं, एक्स एक्स और 40 डिग्री, तो यहां पर हम लिखेंगे एक्स प्लस 40 डिग्री, तीनों जो है एंगल्स का कितना जो सम है जोड़ कितना है टोटल कितना है 180 डिग्री। अभी एक्स एक्स कितने हो गए, ये दोनों क्या है प्लस के एक्स हो गए, ठीक है। अभी ये एक्स प्लस ये दो एक एक्स ये है एक एक्स ये है, तो ये दोनों प्लस हो गए तो कितना गया 2x प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री एज इट इज। अभी हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तब हमको क्या मिल जाएगा बेस एंगल, तो 2x ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में ये 40 प्लस में है, तो इसको हम राइट साइड शिफ्ट करेंगे 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री, हमारे पास 180 से 40 अगर माइनस किया तो हमारे पास आ गया 140 डिग्री। तो x यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में इधर राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड में 2, तो 2 1 2 2 7 40 0 एज इट इज, तो हमारे पास आ गया 70 डिग्री। तो हमारा जो x है, x कितनी है मतलब x मतलब बेस एंगल, एक बेस एंगल कितना है 70, तो यहां पर हम लिख देंगे सो द बेस एंगल, तो हमने लास्ट में लिख दिया है कि द बेस एंगल्स ऑफ द ट्रेंगल इज 70 डिग्री ईच, मतलब दोनों ये भी 70 डिग्री है ये भी 70 डिग्री है, तो बेस एंगल हमने यहां पर फाइंड कर लिए। नेक्स्ट करते हैं, सेवंथ क्वेश्चन हमारा, इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल्स परमीत है, इरफान हैज 37 मार्बल्स, हाउ मेनी मार्बल डज परमीत हैज। तो हमें क्या कहा गया, इरफान कह रहा है कि उसके पास 7 मार्बल्स ज्यादा है किससे, परमीत के मार्बल के 5 गुना से, 5 टाइम जो 5 गुना से 7 और ज्यादा है। इरफान के पास टोटल कितने हैं, इरफान ने कहा है ना कि मेरे पास परमीत से 5 गुना ज्यादा और उसमें से 7 और प्लस कर दो तो इतने सारे उसके पास क्या है मार्बल्स हैं। तो हम उन्होंने कहा है कि मेरे पास कितने हैं, इरफान के पास टोटल मार्बल 37 है, तो मार्बल हमने पता करनी है परमीत के पास कितने हैं, ठीक है। मार्बल होते कंचे, कंचे कितने हैं परमीत के पास, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, जो चीज हमने पता करनी है वही चीज हमने अज्यूम करनी है, लेट कर लेनी है, ठीक है। तो हम यहां पर लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे लेट द परमीत हैज मार्बल, हमने इसी के मार्बल पता करने हैं ना कितने हैं, तो कितने मार्बल्स हैं, हमने लेट किया कि एक्स मार्बल्स परमीत के पास एक्स है, ठीक है। और गिवन हमें क्या है, गिवन है हमें मतलब परमीत के पास हमने ये लेट कर लिए, इरफान के पास कितने है, इरफान हैज मार्बल्स कितने है उसके पास 37, टोटल उसके पास 37 मार्बल्स हैं। अभी हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आप ये नहीं भी लिखोगे तो भी आप सही है, आप डायरेक्ट इक्वेशन भी क्रिएट कर सकते हो। अभी हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करनी है, इक्वेशन रेडी करनी है, ठीक है। तो अभी हम मेरे पास आया पता है कि 37 उसके पास मार्बल है, तो जो परमीत के पास कितनी है, परमीत के पास है 5 टाइम्स मतलब परमीत के मार्बल का 5 टाइम्स 5x, उसमें 7 हमने और एड मार्बल करनी है, तो वो किसके बराबर हो जाएंगे, इरफान के मार्बल्स के, यानी कि 37 के। अभी हमने इसको सॉल्व करना है,
तो 5x यहाँ पर मल्टीप्लाई में इसको नहीं छेड़ेंगे, ये वाला है प्लस का, पहले इसको राइट साइड शिफ्ट करेंगे। 5x इज इक्वल टू 37 माइनस 7, 5x एज इट इज, 37 से 7 माइनस किए तो 30, यहाँ पर x मल्टी 5x, 5x के साथ मल्टीप्लाई में, इधर जाके हो जाएगा डिवाइड में, तो ये आ गया। तो 5 1 5 5 6 30, तो टोटल कितने हैं मार्बल परमित के पास, 6 है। ठीक है, यहां पर हम लिख देंगे, तुमने लास्ट में लिख दिया, सो परमित हैज मार्बल 6, परमित के पास टोटल 6 मार्बल है। ठीक है, ये आपने नीचे लिखना है, यहां पर स्पेस नहीं थी इसलिए मैंने साइड पर लिख दिया, ये है हमारा आंसर। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा 8th क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 यूनिट्स मोर देन इट्स ब्रेथ एंड द पेरीमीटर इज 22 यूनिट्स, फाइंड द ब्रेथ एंड लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल की लेंथ क्या है, उसकी ब्रेथ से 3 यूनिट ज्यादा है, ठीक है, और उसका पेरीमीटर 22 दिया गया यूनिट्स, हम लेंथ और ब्रेथ दोनों पता करने हैं, तो हमें क्या दिया ऐसे, ठीक है, रेक्टेंगल ऐसा होता ना, तो ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ मान लेते हैं हम एक्स है, तो ये अगर उन्होंने क्या ना कि जो उसकी लेंथ है, उसकी जो लेंथ है वो ब्रेथ से 3 यूनिट्स ज्यादा है, तो ये देखो ये लेंथ ब्रेथ है, ये है ब्रेथ प्लस 3 यूनिट्स, ठीक है, तो 3 यूनिट्स ज्यादा है, तो यहां पर हम लिखेंगे लेट द ब्रेथ, ब्रेथ क्या है, लेट द ब्रेथ इज एक्स, अगर ब्रेथ एक्स है, ठीक है, या उन्होंने ब्रेथ एक्स कर ली है, और हमें गिवन क्या है, गिवन मीन्स हमें क्वेश्चन में जो दिया गया है पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना दिया गया है, पेरीमीटर क्या दिया गया, 22 यूनिट्स। अभी इसके अकॉर्डिंग हमने इसी से लेकर हमने इक्वेशन क्रिएट करनी है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कैसे क्रिएट करेंगे, तो इसमें सबसे पहले हमें दिया गया है पेरीमीटर, पेरीमीटर का हमने यहां पर यूज करना है, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू पेरीमीटर, यहां पर पेरीमीटर पूरा लिख देते हैं, ठीक है, तो इसी का यूज करके हमने इक्वेशन क्रिएट कर लेनी है, तो लेंथ प्लस ब्रेथ होता है तो 2 एज इट इज लिखते लेते हैं, लेंथ हमने कितनी सोची है, लेंथ कितनी होती है, यहां पर लिखा है ना ब्रेथ है, यहां पर आप लेंथ भी लिख लो, लेंथ कितनी है, लेंथ है एक्स प्लस 3, यहां पर आप नोट जरूर कर लेना, ठीक है, अगर ब्रेथ हमारी एक्स है तो उन्होंने क्या है लेंथ क्या है, ब्रेथ के जितनी ब्रेथ है उससे 3 प्लस और है, तो हमने यहां पर लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस 3 और ऐड कर दिया, तो ये हमारी लेंथ बन गई, तो लेंथ कितनी है हमारी यहां पर एक्स प्लस 3, तो एक्स प्लस 3 लिख देंगे, प्लस ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ है हमारी एक्स, तो यहां पर एक्स लिख देंगे, इज इक्वल टू में पेरीमीटर कितना है 22, यहां हमने क्या लिखा है, यहां हमने फॉर्मूला लिखा है उसी के आधार पर हमने इस पे पुट कर दिए, ये हमने पहले इलेक्ट कर लिया था, ठीक है, तो अभी देखो यहां पर ये 2 है, इससे पूरी ये वाली वैल्यू जो ब्रैकेट में है इससे मल्टीप्लाई में है, तो यहां पर मल्टीप्लाई में इट मीन्स यहां जाकर हो जाएगा डिवाइड में, तो कैसे करेंगे, तो हम इसको एक्स प्लस 3 प्लस एक्स इज इक्वल टू 22, ये डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में था, यहां पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 2 1 2 2 11 कितना होता है 22। नेक्स्ट करेंगे हम, ये है हमारे पास, देखो ये एक्स है, ये भी ए, इसके मुरे आगे कुछ भी नहीं है, तो ये 1 है, ये भी 1 है, तो 1 और 1 2, ये बन गया 2x प्लस में 3 इज इक्वल टू 11, अभी ये वाली वैल्यू बन गई हमारे पास, यहां पर 3 ये प्लस में, इधर जाके हो जाएगा माइनस में, 2x एज इट इज 11 माइनस 3, तो 2x एज इट इज 11 में से अगर हम 3 माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है 8, तो x एज इट इज ये 8 से x के साथ 2 मल्टीप्लाई में, यहां पर हो जाएगा डिवाइड, तो 2 1 2 2 4 8, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4, x हमने किसको लेट किया था ब्रेथ को, इट मींस ब्रेथ कितनी है हमारी 4, तो यहां पर लिख देंगे हम ब्रेथ इज इक्वल टू 4 यूनिट्स, तो हमारे पास ब्रेथ आ चुकी है 4th यूनिट, अभी लेंथ पता करनी है, लेंथ कितनी थी, ऊपर ही देखो x प्लस 3, तो यहां पर लिख देंगे x प्लस 3, x कितनी है, अभी x की वैल्यू फाइंड कर ली है ना हमने 4 है, तो 4 में हम 3 प्लस कर देंगे, इट मींस 7 यूनिट्स क्या है ब्रेथ, तो ये हमारा क्या बन गया, ये दोनों
हमारे आंसर्स हैं। ठीक है, आपने स्टेटमेंट को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, तभी आप इक्वेशन अच्छे से क्रिएट कर पाओगे और इसके आंसर्स कर पाओगे। ठीक है, तो हमने ब्रेथ को x माना था तो x की वैल्यू आ गई, लेंथ को हमने ब्रेथ से 3 प्लस था तो 3 यूनिट और प्लस थे तभी हमने इसको ऐड कर दिया। ठीक है, ऊपर से हमने देख लेना कि कैसे हमने रिज्यूम किया था, उसी में हमने वैल्यू पुट कर देनी है। यहां पर हमारा 4.4 का क्वेश्चन नंबर 8 जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था वो कम्प्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आए होंगे और वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।